वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं रोज फिरनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फिरनी। फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। अब ये काफी रिड्यूस हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बासमती राइस को सोख करके रख दिया था 5-6 घंटे पहले। अब ये बासमती राइस मैं इसमें ऐड कर दूंगी, पानी के साथ ही ऐड कर दूंगी। अब स्लो फ्लेम पर इसे पकते रहना है जब तक चावल अच्छे से पक ना जाए। मेक श्योर करें कि जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें सालन या मसाला नहीं बना हो। अब अच्छे से चावलों के पकने तक मैं इसको पका लूंगी। तब चावल पकने लगे हैं, 10 मिनट के बाद में ये चावल ये पके हैं। अब हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। इसी तरीके से चावल को स्टर करते रहना है, स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनेगी इस मेथड से। अब साथ साथ में हम चावलों को मैश करते जाएंगे ताकि ये चावल मशी हो जाए और स्टिकी सी अच्छी सी खीर बने। यहाँ पर मैं चावलों की स्टार्च से इस खीर को अच्छे से गाढ़ा कर लूंगी। यही इस फिरनी का टेस्टी बनने का सीक्रेट है। हमने थोड़ी देर तक इसे पकाते हुए इससे मैश कर दिया है। ये मैशर है मेरे पास में, आपके पास में जो भी मैशर हो इससे थोड़ा सा चावलों को मैश कर दे। वैसे फिरनी के चावल थोड़े थोड़े इसी तरीके से दिखने चाहिए, पूरे पाउडर नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे और पका लूंगी। इसमें मैंने मलाई भी शामिल कर दी है इसी दूध की। तो थोड़ी ही देर में अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर की फिरनी तैयार है। अब मैं स्टोव की फ्लेम बिल्कुल कम कर दूंगी। देख सकते हैं आप, अच्छी गाढ़ी फिरनी तैयार है। इसमें मैं थोड़ा सा नटमेग ऐड कर रही हूँ, यानी कि जायफल। फिरनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसकी वजह से, जायफल की वजह से। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें करीब 150 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ, शक्कर। तो फिरनी जो है, फिरनी की स्पेशलिटी यह है कि इसे पका के मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, तो उसकी सौंधी खुशबू फिरनी में ऐड हो जाती है और उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब शक्कर के घुलने तक मैं इसे पका लूँगी। बहुत ही खुशबूदार फिरनी बनकर तैयार हुई है। अब हम स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे। शक्कर अब घुल गई है। अब इसे ठंडा करके हम इसे मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे। तो खीर ठंडी होने लगी है इसलिए हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने किशमिश, काजू और पिस्ता काट लिए हैं। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी, ये ऐड कर दूंगी। इसे पूरा ठंडा कर लेना है। अब ठंडी हो रही है तो हम इसको मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे। खासकर नया बर्तन लेना है मिट्टी का, तो मैंने मिट्टी के बर्तन को पहले 2-3 घंटे पानी में भिगो दिया था ताकि इसकी धूल मिट्टी निकल जाए। अब ये मिट्टी के बर्तन में 2-3 घंटे जब रहेगी फिर भी, तो इसकी मिट्टी की अच्छी सी थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी खीर में, फिरनी में। देख सकते हैं आप कितनी क्रीमी फिरनी तैयार हुई है। पूरा ठंडा कर देंगे। आपके पास अगर तो फिरनी को रखे हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, अच्छे से फ्लेवर आ गया है अब इसमें मिट्टी के बर्तन का। अब मैं इसमें ये मेरे पास रोज एसेंस है, ये ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा खाने वाला गुलाब का अर्क ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप इलायची पाउडर ऐड कर दें, लेकिन रोज़ सिरप डालने से रोज़ एसेंस डालने से फिरनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ये ऐड करें। तब हमारी फिरनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर देंगे।
इस वाले बर्तन में सर्व कर देंगे। तो फिरनी को मैंने डिश आउट कर दिया है, इसे गुलाब की पत्तियों से सजा लिया है। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो जो रोज़ एसेंस ऐड किया है और जो मिट्टी के बर्तन में रखा है, उसकी वजह से फिरनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार बनी है फिरनी। बनकर तैयार है रोज़ फ्लेवर फिरनी। अगर आपको मेरी ये फिरनी की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ।